बात कर रहे हैं चुनाव संबंधी, वॉलेंटियर संबंधी। जो हाँ दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। सभी के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं, क्योंकि झारखंड में इलेक्शन की घोषणा हो चुकी है। दो चरणों में चुनाव होनी है, 13 और 20। 13 नवंबर और 20 नवंबर को चुनाव होगी, और गणना, जो वोटिंग की गणना है, वो 23 नवंबर को होनी है। उसके बाद नया सरकार हमारे झारखंड में बन जाएगी, नई सरकार आएगी और फिर अपने नए तरीके से, नए अंदाज से काम करेगी। दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं चुनाव संबंधी, वॉलेंटियर संबंधी। कतार महिलाओं के लिए और पुरुष के लिए जो कतार लगती है, महिलाएं का अलग, पुरुषों का अलग, तो इन कतारों को लगाने के लिए वॉलेंटियर बहाल होंगे, चुनाव में वॉलेंटियर होंगे। और वह वॉलेंटियर कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्टली हो, चुनाव कर्मी को हेल्प करेंगे। मतलब चुनाव में जो लगे होते हैं कर्मी, उनका हेल्प एक प्रकार का होगा। तो दोस्तों, इसके लिए वॉलेंटियर्स बहाल होंगे, मतलब उस दिन के लिए वॉलेंटियर रखे जाएंगे। तो वॉलेंटियर के बारे में बताएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वॉलेंटियर हम सभी चुनाव कर्मियों के लिए बहुत फायदेमंद होंगे। जहां पर वोटरों की संख्या 400 तक, ठीक है, मतलब 200 भी रहेगा चलेगा, 300 भी रहेगा, है ना, मतलब 1 से लेकर 400 तक वोटर जहां है, वहां पर 2 वॉलेंटियर लगाए जाएंगे, 2 वॉलेंटियर काम करेंगे। फिर देखिए, 400 अधिक जहां पर है, वहां पर 4 वॉलेंटियर रहेंगे। जहां पर 400 से अधिक मतदाता है, वोटर्स हैं, 401, 202, 506, 108, 110 जो भी है, तो वहां पर 4 वॉलेंटियर्स काम करेंगे। एज, वॉलेंटियर का एज कितना है, देखिए 14 से अधिक और 18 से कम, मतलब किसी भी तरह से वह मतदाता ना हो, वोटर ना हो, क्योंकि वोटर बनने के लिए 18 साल एज होता है, कम से कम 18 साल, तो 18 साल नहीं होना चाहिए, मतलब वो वोटर नहीं हो, 14 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम। दोस्तों, उनका कार्य की बात किया जाए, वॉलेंटियर्स का काम क्या है, तो सुनिए। मतदान केंद्रों पर कतार मैनेजमेंट, कतार मतलब पुरुषों के लिए अलग, महिलाओं के लिए अलग, ताकि शांतिपूर्वक वोट हो जाए, है ना। तो कतार मैनेजमेंट करने के लिए वॉलेंटियर लगाए जाएंगे, जो सभी चुनाव कर्मियों के लिए बहुत अच्छा है। तो उसके मैनेजमेंट के लिए वॉलेंटियर लगाए जाएंगे। देखिए, और क्या काम है, हेल्प डेस्क, बीएलओ को हेल्प करेंगे, मतलब हेल्प डेस्क के रूप में कौन काम करेंगे, बीएलओ, और उनका हेल्प करेंगे कौन, वॉलेंटियर्स, ठीक है। और उनका एक पहचान पत्र जिला से, जिला प्रशासन से रिलीज किया जाएगा, ताकि पता चले कि ये वॉलेंटियर है। दोस्तों, आइए इसका पत्र दिखाएंगे। झारखंड सरकार मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग सेक्टर 2 धुरवा रांची, प्रेषक हैं के रवि कुमार, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सह सचिव। सभी जिलों को पत्र लिखा गया है, और पत्र देखिए क्या कहता है, सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त झारखंड, विषय क्या है, देखिए, मतदाताओं की कतार को प्रबंध करने, मतदाताओं की कतार को, मतलब वोटर को लाइन में लगाना है, तो वोटर को लाइन मैनेजमेंट करने, दिव्यांग वरिष्ठ मतदाताओं को सहायता आदि करने के लिए मतदाताओं का वॉलेंटियर की तैनाती के संबंध में, मतदान केंद्रों पर वॉलेंटियर्स की तैनाती के संबंध में, देखिए मतदाताओं को लाइन लगाने के लिए वॉलेंटियर बाहर होंगे, तो लगाएंगे ही, इसके अलावा दिव्यांग और वरिष्ठ मतदाता जो रहेंगे उनको हेल्प करेंगे, ठीक है। प्रसंग देखिए, भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली का पत्रांक इस पर है, मतलब केंद्र सरकार के द्वारा ही ऐसा पत्र जारी किया गया है, उसी पर झारखंड में यह पत्र जारी किया गया है, और सभी जिलों को यह पत्र लिखा गया है। तो यह पत्र जो है चुनाव कर्मियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि यदि लाइन बढ़िया से रहेगा, सुदृढ़ तरीका से, कतारबद्ध तरीका से वोटिंग होगा, तो वोटिंग भी बहुत आसानी से हो जाएगा और बहुत जल्दी हो जाएगा, कोई विवाद भी नहीं होगा। मतदाताओं को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, मतदाताओं के हित के लिए यह अच्छी बात है, और हम समझते हैं कि चुनाव कर्मियों के लिए भी यह अच्छी बात है। इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के प्रासंगिक पत्रों के प्रति संलग्न है। उक्त के अनुसार मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतार के प्रबंधन दिव्यांग या वरिष्ठ एवं शारीरिक रूप से अक्षम मतदाताओं को सहायता प्रदान करने हेतु वॉलेंटियर्स की तैनाती करना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। वॉलेंटियर्स की तैनाती होगी, जो बहुत जरूरी है, और किस लिए जरूरी है, मतदाताओं को लाइन लगाने के लिए, जो वरिष्ठ मतदाता है उनके हेल्प के लिए, जो दिव्यांग मतदाता है उनके सहायता के लिए, ठीक है। आगे आइए, देखिए निर्देश क्या है कि एनएसएस या स्कॉट एंड गार्ड्स ऑब्ली है मेंबर्स ऑफ ईएलसी फॉर फ्यूचर वोटर्स से प्रत्येक मतदाता केंद्र जहां 400 या 400 से कम मतदाता है, मतलब 400 तक बोल सकते हैं जहां पर वोटर हैं, वहां पर 2 वॉलेंटियर्स लगेंगे, और जहां पर 400 से अधिक मतदाता हैं, वहां पर 4 वॉलेंटियर्स की तैनाती होगी। नियुक्ति
वर्दी में लेकिन बिना शस्त्र के किया जाए। नियुक्ति वर्दी में चलेगा लेकिन बिना शस्त्र, मतलब हाथ में कोई शस्त्र ना हो, लाठी डंडा ना हो। फिर देखिए उम्र की बात किया जाए तो वॉलंटियर्स का उम्र 14 साल से अधिक होगा और 18 वर्ष से कम, मतलब वोटर वो ना होना चाहिए, मतलब वोटर वो नहीं हो, मतदाता नहीं होना चाहिए। फिर देखिए तीसरा है, वॉलंटियर्स मतदान केंद्रों पर कतार के प्रबंधन, दिव्यांग वरिष्ठ एवं शारीरिक रूप से अक्षम मतदाताओं एवं हेल्प डेस्क पर बीएलओ की सहायता करेंगे। काम क्या रहेगा उनका, उनका काम रहेगा कि मतदान केंद्रों पर कतार का मैनेजमेंट करेंगे, लाइन लगवाएंगे, पुरुषों को अलग, महिलाओं के लिए अलग, दिव्यांग और वरिष्ठ और शारीरिक रूप से जो अक्षम मतदाता हैं उनको हेल्प करेंगे और बीएलओ को भी हेल्प करेंगे। चौथा देखिए, लॉजिस्टिक समस्याओं से बचने के लिए वॉलंटियर्स को उसी मतदान केंद्र या निकट संस्थान का छात्र होना चाहिए, मतलब जहां पर वोट हो रहा है, जहां पर मतदान केंद्र बनाया गया है वहीं के होना चाहिए वह वॉलंटियर्स, जहां उनकी तैनाती की गई वहीं का वो व्यक्ति होना चाहिए। वॉलंटियर्स मतदान केंद्र पर बीएलओ की देखरेख में काम करेंगे, वॉलंटियर्स जो हैं सो बीएलओ के देखरेख में काम करेंगे। फिर देखिए चौथा है, वॉलंटियर्स मतदान केंद्र पर उपलब्ध व्हील चेयर के इंचार्ज रहेंगे, वॉलंटियर्स जो हैं व्हील चेयर के इंचार्ज रहेंगे, जैसे कोई दिव्यांग आ गए तो उन्हें व्हील चेयर देना है और फिर वहां से वो वोट कराने जाएंगे तो उनका इंचार्ज रहेंगे। वरिष्ठ मतदाताओं को मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार तक मार्गदर्शन सहयोग करेंगे, मतलब जहां एंट्री होता है वहां तक वो हेल्प करेंगे। मतदान केंद्र के अंदर ऐसे मतदाताओं को मतदान कर्मियों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी, उसके अंदर ये जो मतदान कर्मी है उनके द्वारा सहायता किया जाएगा। फिर देखिए छठा है, जिला निर्वाचन पदाधिकारी या निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा प्रत्येक वॉलंटियर्स को फोटो पहचान पत्र तो उपलब्ध कराया जाएगा, जो प्रत्येक वॉलंटियर्स को अपने साथ मतदान दिवस के दिन संबंधित मतदान केंद्र पर लाना होगा। उन्हें जिला स्तर से जिला प्रशासन के द्वारा उन्हें पहचान पत्र दिया जाएगा जो उस दिन वो पहन के रहेंगे। संकल्प देखिए, दिव्यांग मतदाताओं के साथ शिष्टता के साथ व्यवहार करने, वी एच ए सक्षम एप, ए एम एफ मतदान केंद्रों पर उपलब्ध प्राथमिक चिकित्सा किट आदि के संबंध में वॉलंटियर्स को अवगत कराने हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा आवश्यकता अनुसार जिला स्तर, अनुमंडल स्तर या प्रखंड स्तर पर शिक्षण का भी आयोजन किया जाएगा, मतलब ट्रेनिंग, उन्हें ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। तो इस तरह से गतिविधि उनका है, इस तरह से उनका चयन भी होगा। दसवां देखिए, बीएलओ के उपलब्ध कराए गए कंटीजेंसी मद से ही बीएलओ द्वारा मतदान दिवस के दिन वॉलंटियर्स को भोजन की व्यवस्था कराया जाए। ठीक है, जिला स्तरीय नोडल पदाधिकारी कार्मिक संघ वॉलंटियर्स की मतदान केंद्र पर तैनाती संबंधी गतिविधि का समन्वय करेंगे, मतलब है ना कि उन्हें खाना भी मिलेगा। सभी वॉलंटियर्स की सूची अथवा नाम, मोबाइल नंबर की विवरणी एमएस एक्सेल में विभाग को उपलब्ध कराया जाए, मतलब जो चयन हो जाएंगे उनका एक्सेल शीट में उनका नाम मोबाइल नंबर का लिस्ट देना है, सूची उपलब्ध कराना है। मतदान के बाद सभी वॉलंटियर्स को सहायक निर्वाचक निबंधक पदाधिकारी द्वारा प्रशस्ति पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। देखिए वॉलंटियर्स को प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा, बहुत अच्छा बात है। प्रशस्ति पत्र के प्रति अथशीघ्र विभागीय स्तर से जिला को उपलब्ध कराया जाएगा, जो प्रशस्ति पत्र का जो प्रति है वो अथशीघ्र उपलब्ध करा दिया जाएगा जिला को। तो दोस्तों इस तरह से वॉलंटियर संबंधी चुनाव में सहयोग के लिए वॉलंटियर्स की चयन होगा और उन्हें रखा जाएगा इलेक्शन के दिन, जो कहीं ना कहीं मतदान कर्मियों को भी हेल्प करेगा। आप देखिए ये देख रहे हैं, ये कब का है, 12/3/2024 का, मतलब ये लोकसभा का चुनाव हो रहा था ना, लोकसभा उस समय का है। आप यहाँ देखिए ये कब का है, देख रहे हैं 22/10/2024, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए इसको देख लेते हैं दोस्तों। ऐसे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम ना भूले, है ना, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो रेफरेंस ऊपर डाला गया है उन्हीं का है, देखिए देखिए ये आइडेंटिटी कार्ड है।